हाँ बोलिए, आ रहा हूँ। आगे ठीक आवाज आ रही है। फोन की जगह खड़ा हुआ ये फोटो निकालने का सेक्शन नहीं चल रहा है। गजान अंसारी, गजान अंसारी मुर्दाबाद, गजान अंसारी मुर्दाबाद। अगर ये पाकिस्तान जाता है तो इसे इंडिया वापस नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। गजान अंसारी, हाय हाय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गजान अंसारी मुर्दाबाद, गजान अंसारी मुर्दाबाद, गजान अंसारी मुर्दाबाद, गजान अंसारी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसे वापस इंडिया नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी आपने पोस्टर जलाया है फैजान अंसारी का, क्या है इसके पीछे का मुद्दा क्या है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैं पंडित सौरभ मिश्रा ब्राह्मण होने के नाते मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि ये जो फैजान नाम का व्यक्ति है, फैजान अंसारी, ये एक पाकिस्तानी लड़की है जो टिकटॉक पे अभी वायरल हुई है, तो ये इससे निकाय करना चाह रहा है। तो हम ये चाहते हैं, सौरभ मिश्रा का दावा ये है कि ये बंदा अगर पाकिस्तान जाता है तो ये इंडिया में वापस कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी पाकिस्तानी सिंगर हैं उनको हमने बैन किया है। तो ये अगर इंडिया में होने के नाते ये पाकिस्तान से लड़की से निकाय कर रहा है, क्या इंडिया में लड़कियों की कमी है? क्या क्या इंडिया में लड़कियां नहीं हैं जो पाकिस्तानी लड़की से निकाय कर रहा है? और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। अगर ये व्यक्ति फैजान अंसारी नाम का व्यक्ति अगर ये पाकिस्तान जाता है तो इसे इंडिया वापस कभी नहीं आने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ मिश्रा, क्योंकि एक इंडिया होने के नाते किसी बाहर मुल्क की लड़की को इधर लाके स्टार बनाना ये बहुत गलत है। आप अपने देश के विपक्ष जा रहे हो, तो हम सब लोगों ने प्लान किया है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे और देश को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोग भी सारे लोग सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। और आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से क्रोध आप लोगों का दिख रहा है कि पोस्टर अभी आपने जलाया है उनका, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग इंडिया में रहने ही नहीं चाहिए, ये इंडिया में रहने के लायक ही नहीं है, ये देशद्रोही हैं, और इनको पाकिस्तान अगर ये जाते हैं तो वहीं के ही रह जाएं, ये इंडिया में कदम वापस रखने ही नहीं दूंगा इनको। लेकिन आपको क्या लगता है, हाल ही में हमने एक इंटरव्यू उनका किया था तो कहीं ना कहीं वो निखा कि पहले ही जो बोलते हैं कि उन लोगों में कुछ दिया जाता है, साथ ही वो प्रे वगैरह कर रहे थे। हाँ, सुनने में आया कि ये 51 लाख 15 लाख जो भी देना चाह रहे थे, तो ये इंडिया के लड़कियों को दो ना, पाकिस्तानी लड़की से निकाय क्यों करना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। फैजान अंसारी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों इंडिया में क्या लड़कियों की कमी है? लेकिन फैजान अंसारी के ऊपर आप इतना क्रोध हो कर रहे हो, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ फैजान अंसारी ही क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में रह के ये देशद्रोही है, इनको इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए, ये देशद्रोही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब हमने पाकिस्तान के कलाकारों को, जो पाकिस्तान के कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, उनको इंडिया में अनुमति नहीं दी, उनको बैन किया है, तो फिर ये इंडिया में रह के ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको भी बैन करना चाहिए। अगर फैजान अंसारी फिर भी जाते हैं अगर पाकिस्तान, तो उसके ऊपर आपका क्या दावा है? अगर ये फैजान अंसारी नाम का व्यक्ति अगर जाता है पाकिस्तान, तो सौरभ मिश्रा पंडित, मैं ब्राह्मण होने के नाते ये दावा करता हूँ कि ये दोबारा इंडिया में वापस कदम भी नहीं रख सकता है। हाल ही में हमने एक और एक कहानी देखी है जहाँ पे एक लड़की की अब मौत हुई है, सुनीशा जी, उसमें भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं लड़का और लड़की के बारे में कहा जा रहा है, बहुत सी अलग अलग न्यूज़ आ रही है, लड़की एक शर्मा घर से है, और क्या लगता है ऐसी चीज़ें और भी लोगों को लाइक गलत नेगेटिविटी पहुँचा रही है? बिल्कुल, ये बहुत गलत है, और मैं तुनिशा जी के बारे में क्या बोलूँ, सबसे पहले तो ये इनका जो ब्रेकअप हुआ है, 15 दिन पहले इनका ब्रेकअप हुआ था, और ये क्या नाम था उस बंदे का, जो मुस्लिम बंदा था, उससे उसने उसका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जो भी चल रहा था, और इसका ब्रेकअप हुआ उसके बाद से,
और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, ये निकाह करना और ये सब चीज़ें बंद करो यार, क्यों कर रहे हो ये सब रह के। बस मैं यही कहना चाहूँगा जिससे कि हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं ये सुसाइड की हो रही हैं। अधिकतर आजकल हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला, ये हिंदू मुस्लिम और इन्होंने इनसे निकाह कर लिया, इन्होंने इनसे शादी कर ली, तो ये सब प्लीज़ बंद करो। बस मैं यही कहना चाहूँगा अगर फैजान अंसारी पाकिस्तान जाता है तो ये दोबारा इंडिया में नहीं आना चाहिए। फैजान अंसारी मुर्दाबाद, फैजान अंसारी मुर्दाबाद, 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 इसे हम